हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द वेकअप इंडिया शो में। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं इस हफ्ते के टेंडर्स के बारे में हर जानकारी जिसको आप जानना चाहते हैं। इस जानकारी को समझ के आप वो नए टेंडर अप्लाई कर सकते हैं जो इस वक्त निकले हुए हैं, ऑनलाइन हैं। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें और इन टेंडर को ध्यान से समझें, क्योंकि ये टेंडर बहुत कमाल के होने वाले हैं दोस्तों। टेंडर वन आपके सामने है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जी हाँ, बहुत बेहतरीन टेंडर आपके लिए लेकर आए हैं हम। स्कीम का नाम है कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम, यानी कि CFPGS। पूरे भारत में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फीस नहीं है, कोई MD भी आपको इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी। अंतिम तिथि इसकी दोस्तों 31/12/2022 है, बहुत समय है आपके पास ये प्रपोजल भरने के लिए। क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, कोई भी नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट और वो यूनिवर्सिटी जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च, वर्कशॉप, ड्रामा थिएटर को सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं, वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। NGO दर्पण पोर्टल की ID और पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 of 1860 में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कल्चरल मिनिस्ट्री की ये स्कीम आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं तो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस स्कीम के अंदर किसी भी धार्मिक रिलेटेड स्कूल को, इंस्टीट्यूशंस को या कॉलेज को एंट्री नहीं मिलने वाली। टेंडर नंबर टू आपके सामने है दोस्तों, डिपार्टमेंट का नाम है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट और स्कीम है इन्विटेशन फॉर थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। लोकेशन पूरे भारत की है, फीस नहीं है, EMD PhD भी नहीं है। लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022, शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको टेंडर भरना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल एंटिटी, जो कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और जो थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी के रूप में पिछले 3 सालों से काम कर रही हो, वो इसको अप्लाई कर सकती है। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक डिक्लेरेशन देनी होगी, जिसमें ये लिखा हो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट या PSU से कभी भी डिबार्ड नहीं किया हो पार्टिसिपेट करने से किसी असाइनमेंट को, यानी कि आपको बाहर ना किया गया हो किसी असाइनमेंट से, ये आपको देना होगा एक डिक्लेरेशन के रूप में। जैसा आप स्कीम के नाम से समझ गए होंगे, थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी के लिए ये टेंडर है और ये टेंडर आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा दिए गए लिंक पर जाकर। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट DSDE बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। स्कीम का नाम है उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि UKWDP। लोकेशन जाहिर है उत्तराखंड की रहेगी, फीस नहीं है, EMD PhD भी नहीं है। लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022, समय शाम को 3 बजे से पहले पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सभी प्राइवेट पब्लिक एंटिटी इसमें इनवाइटेड हैं, जिन्होंने अपने संस्था के बैकग्राउंड, कैपेसिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस और जितना भी उनके पार्टनरशिप है, उनके एम्प्लॉयमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसको स्पेसिफाई किया हो। एक आपको ब्रीफ अपग्रेडेशन स्ट्रेटेजिक प्लान देना होगा दोस्तों, जिसमें आप ये बताएंगे कि इस 25 ITI के टारगेट को आप कितने समय में फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन और टाइमलाइन के अनुसार पूरा कर पाएंगे, और आपको अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को, जो कि आपका किसी फंडिंग जैसे CSR से आया हो, उसको भी आपको मेंशन करना है इस प्लान के तहत। उत्तराखंड में UWDP के तहत 91 ITIs को अपग्रेड किया जाना है दोस्तों, जिसमें से 24 ITI को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। अब उनमें से बची हुई 25 ITI को आपको अपग्रेड करना होगा यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो। सबमिशन ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, आप या तो मेल कर सकते हैं दी गई मेल ID पर, या नीचे दिए गए पते पर आप अपना प्रोजेक्ट कोरियर के रूप में भेज सकते हैं। टेंडर नंबर 4 आपके सामने है, डिपार्टमेंट है वीर माधव सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। स्कीम का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। लोकेशन इसकी भी उत्तराखंड की है दोस्तों, फीस नहीं है, EMD नहीं है। लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2022, दोपहर को 2 बजे से पहले पहले आपको इसको सबमिट करना होगा। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल एंटिटी, जो कंपनी, फर्म, सोसाइटी या कंसोर्टियम हो सकता है, वो अप्लाई कर सकती है। शर्त यह है कि पिछले 5 सालों से
काम कर रही हो आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज में। टर्नओवर 10 करोड़ का होना चाहिए दोस्तों पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का। संस्था ISO IEC 27001:2005 और ISO 9001:2008 से सर्टिफाइड होनी चाहिए। संस्था के पास कम से कम 50 आईटी प्रोफेशनल्स की टीम होनी चाहिए जिनमें डाटा सेंटर मैनेजर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, क्लाउड सर्विस डेवऑप्स और क्लाउड सर्विस एक्सपर्ट्स जैसे लोग होने चाहिए और इनमें से कम 10 प्रोफेशनल्स के पास कम से कम 5 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। लास्ट कंडीशन है, संस्था किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट संस्था से या PSU से ब्लैकलिस्टेड ना हो। IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनीज के लिए ये टेंडर बहुत ही बढ़िया टेंडर है दोस्तों, बस आपको इसको ऑनलाइन भरना है दिए गए लिंक पर जाकर। टेंडर नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, डिपार्टमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। स्कीम का नाम है इम्प्लीमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक सेंटर्स फॉर सुपर स्पेशलिटी सेकेंडरी केयर ब्लड बैंक एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। लोकेशन इंदौर MP की रहेगी दोस्तों, फीस नहीं है। EMD है 1 लाख रुपए की हॉस्पिटल्स के लिए और 10,000 रुपए की है डायग्नोस्टिक लैब या इमेजिंग सेंटर के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 5 लाख रहेगा हॉस्पिटल्स के लिए और 20,000 रहेगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स या इमेजिंग सेंटर के लिए। अंतिम तिथि 1 नवंबर 2022 है, शाम को 3 बजे से पहले पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ये टेंडर हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हॉस्पिटल मिनिमम 50 बेड कैपेसिटी वाले होने चाहिए जिनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ये हॉस्पिटल्स काम कर रहे हो ऐसा भी आपको दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा उनका वैलिड स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन विद लोकल बॉडीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल्स और वैलिड फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ उनका होना चाहिए जो आपको अटैच करना होगा इस टेंडर को भरते हुए। हॉस्पिटल के पास दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU होना जरूरी है। इसके अलावा 24 आवर्स की इमरजेंसी सर्विसेज के साथ टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ होना अनिवार्य है दोस्तों। और सबसे लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि इन हाउस ब्लड बैंक फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर किसी आसपास के ब्लड बैंक के साथ टाई अप होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप खून उपलब्ध करवा सकें। MP के हॉस्पिटल्स के लिए ये शानदार टेंडर है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद। टेंडर नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, डिपार्टमेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC। एक चिर परिचित स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा, जो इस बार दिया जा रहा है नागालैंड के 138 गवर्नमेंट स्कूल को। लोकेशन जाहिर है नागालैंड की है। फीस की बात करें तो जैसा हर समग्र शिक्षा के प्रपोजल के लिए होता है, 3 सेक्टर तक आपको 10,000 पे करनी है, 4 सेक्टर के लिए 16,000 और 5 सेक्टर यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 20,000 की फीस पे करनी होगी। EMD PhD नहीं है, लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2022। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे मुख्य रूप से आपको होना चाहिए NSDC का अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर और इनकॉर्पोरेशन डेट आपकी 30/7/2019 से पहले की होनी अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा संस्था की जो प्रेजेंस है वो नागालैंड में होनी बहुत जरूरी है, किसी रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में, ब्रांच ऑफिस के रूप में या आपका सेल्फ ऑन ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 31/8/2022 से पहले पहले। इसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20/21 और 21/22 में आपने कम से कम 1,000 ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी हो। इसके अलावा 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए 2019-20, 20/21 और 21/22 के लिए। NSDC के समग्र शिक्षा प्रपोजल को लगाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा दिए गए लिंक पर क्लिक करके। तो ये थे बेहतरीन 6 टेंडर जो हम आपके लिए लेकर आए थे अपने इस एपिसोड के अंदर। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में, JSS यानी कि जन शिक्षण संस्थान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है दोस्तों। आपके पास अप्लाई करने के मौके आते ही जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपका 12A और 80G बन के आ गया होगा, तो जल्दी से अप्लाई करें JSS स्कीम को भी। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मुलाकात होगी अगले सोमवार को बहुत सारे शानदार टेंडर के साथ। बलराज सिंह फिर आपके सामने आएगा, तब तक के लिए नमस्कार।